बेसन की बर्फी तो हम कई बार बनाकर खाते हैं, लेकिन आज जो बेसन बर्फी की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो काफ़ी हेल्दी भी होगी और टेस्टी भी। इसे बनाना भी इतना ज़्यादा आसान है कि जब आपको मीठा खाने का मन करे झटपटी से बना सकते हैं। और तो और ये बर्फी तीन चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है जो हर वक्त हमारे घर पर अवेलेबल भी रहती है। तो चलिए दोस्तों, ये विंटर स्पेशल बर्फी बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। बेसन बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर डालेंगे आधा कप घी। तो मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आधा कप घी डालकर इसमें डालेंगे 2 कप बेसन। तो यहाँ पर बारीक या मोटा कोई भी बेसन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बर्फी होती है उसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है और काफ़ी दानेदार भी रहता है। अब हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और जो सारी स्टेप है वो हम लो फ्लेम पर ही करेंगे। इससे बेसन काफ़ी अच्छे से रोस्ट भी हो जाता है और जलता भी नहीं है। अब शुरुआत में बेसन और घी को मिक्स कर लेना है और मिक्स करके ये ऐसा हो जाना चाहिए कि जो मॉइस्चर है घी का वो बेसन में अच्छे से आ जाए। यदि आपको लगे कि बेसन ज़्यादा ड्राई है, ये मिक्सचर आपको थोड़ा सूखा लग रहा है, तब आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। पर ज़्यादा घी भी ऐड ना करें क्योंकि लास्ट में जाकर बेसन है वो सारा घी वापस सेपरेट करने लगता है। तो अब देखिए, मैंने इतना घी इसमें डाला है कि बेसन के अंदर घी काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है, बेसन कहीं से ड्राई नहीं लग रहा है। शुरुआत में बेसन का कलर थोड़ा पीला है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे रोस्ट करते जाएंगे ये थोड़ा सफ़ेद दिखाई देने लगेगा और बेसन फूलने लगेगा, यानी अब ये अच्छे से रोस्ट होना शुरू हो गया है। तो बस लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें इसे रोस्ट करना है। अब बेसन होता है वो कई स्टेप में रोस्ट होता है, यानी शुरुआत में वो पीला दिखाई देता है, फिर वो सफ़ेद दिखाई देता है और फूलता है, और फूलते फूलते धीरे धीरे वो अपना दोबारा कलर चेंज करता है, यानी लाल होने लगता है और वापस घी को भी सेपरेट करने लगता है। तो देखिए, अब जो बेसन है वो वापस से लूज़ होने लगा है, सारा घी जैसे जैसे वो रोस्ट हो रहा है सेपरेट होने लगा है। तो बस लो फ्लेम पर ही इसे रोस्ट करते जाएं। इससे बेसन काफ़ी अच्छा रोस्ट होता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब आप देख सकते हैं बेसन काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो गया है, कलर भी इसका अच्छा हो गया है और साथ ही इसने सारा घी वापस छोड़ दिया है। तो इस स्टेज पर हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है क्योंकि पैन अभी काफ़ी गर्म है, और एक दो बार मिक्स कर लेते हैं इसे ताकि गर्म पैन में ये जले नहीं। और साइड में हमें गुड़ काटना है, तो हम ये बेसन की बर्फ़ी गुड़ में बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा और टेस्टी भी बहुत बनती है इससे बर्फ़ी। तो ये जो एक पीस आता है गुड़ का वो मैंने काट के रखा है इस तरह बारीक बारीक, तो बस चाकू को इस तरह गुड़ के ऊपर चलाएं तो ये बारीक हो जाएगा। और बारीक काटकर हम गुड़ लेंगे तो जैसे ही बेसन के अंदर डालेंगे ये फटाफट से घुल जाएगा। अलग से हमें गुड़ की कोई भी चाशनी वगैरह नहीं बनानी है। और यहाँ पर आप चाहें, यदि चाकू से नहीं कटता है गुड़ तो इसे कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा गुड़ मैंने बचा लिया है क्योंकि ये ज़्यादा था, और इधर बेसन भी काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो गया है। इससे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो बेसन है वो काला पड़ने लगेगा। तो अब यदि पैन ठंडा हो गया है तब तो आप गैस का फ्लेम ऑन कर लें, और यदि ये बेसन का मिक्सचर है वो काफ़ी गर्म है तो ऑफ़ कर दें। तो हमने क्योंकि बीच में ऑफ़ कर दिया था फ्लेम, इसलिए मैंने दोबारा ऑन कर लिया है और गैस का फ्लेम लो ही रखना है। और लो फ्लेम पर ये गुड़ डालकर बेसन में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब क्योंकि मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था तो पैन ठंडा हो गया था, तो अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए ही गैस का फ्लेम ऑन करके वापस से ऑफ कर देंगे, क्योंकि इतने में पैन और ये मिक्सचर है वो थोड़ा गर्म हो जाएगा। और हल्के गर्म मिक्सचर में ही हमें गुड़ को मेल्ट कर लेना है, क्योंकि यदि ज़्यादा गर्म मिक्सचर में हम इस गुड़ को मेल्ट करेंगे तो गुड़ फटाफट से ही जलने लगेगा, तो इससे जो बर्फी का टेस्ट होता है उसमें कड़वापन आने लगता है। तो बस गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और गुड़ भी काफ़ी अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। तो इसमें फ्लेवर के लिए हम इलायची पाउडर भी डाल लेते हैं। इलायची पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है, और जैसे ही गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे जो बेसन है वो सेट होने लगेगा। तो बस इस गर्म मिश्रण को हम पहले से ही तैयार किए गए ट्रे में सेट कर लेंगे। इस ट्रे में मैंने बटर पेपर लगा लिया है, आप चाहें तो किसी भी थाली या ट्रे को घी से ग्रीस करके भी ले सकते हैं। ये बर्फ़ी बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है और बहुत ही आराम से डिमोल्ड भी हो जाती है। तो देखिए, फटाफट से ही हमें इसे सेट करना होता है क्योंकि बेसन बहुत ही जल्दी से सेट होने लगता है, और जब
चाशनी नहीं बनाते हैं तब भी जो बर्फ़ी होती है वो जल्दी से सेट हो जाती है। थोड़ा सा पिस्ता डालकर मैंने इसे गार्निश कर लिया है और बस अब इस बर्फ़ी को हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। 10 से 15 मिनट में बर्फ़ी काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब बर्फ़ी को कट कर लेते हैं। तो काटने के बाद भी इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि जो बर्फ़ी का मिश्रण होता है वो हल्का सा गर्म होगा, तभी यदि आप काट लेंगे तो पीसेस हैं वो अच्छे से कट भी जाएंगे और बहुत ही अच्छे से पीसेस इसमें से निकल आते हैं। तो देखिए कितने आराम से ये निकल रहे हैं, बर्फ़ी बहुत ही जल्दी से सेट हो जाती है। तो इस तरह चाकू से हम इसे काट लेते हैं। बर्फ़ी देखने में भी बहुत सुंदर लगी है, क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला है तो अलग से इसमें कलर वगैरह डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये इस तरह से पीसेस हम इसके निकाल लेते हैं और ये देखिए कितनी सुंदर बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर इसका आया है। और इसे तोड़ कर देखते हैं और ये देखिए कितनी सॉफ्ट बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुकी है। इस बर्फ़ी को आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे ही आप ये बर्फ़ी खाएंगे आपके मुँह में ही घुल जाएगी। तो आप भी ये विंटर स्पेशल बर्फ़ी ज़रूर बनाएँ और इसे इंजॉय करें। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।